अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट फ्रैंक क्वेटा से आपसे मुखातिब हूँ। आज ईस्टर है और मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। ईस्टर के दिन आज लॉकडाउन की वजह से तमाम रेस्टोरेंट्स वगैरह बंद हैं, तो मैं आज घर में बच्चों के लिए चिकन तंदूरी बनाऊंगा और इसकी वीडियो रिकॉर्ड करके मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं चिकन तंदूरी किस तरकीब से बनाता हूँ। उम्मीद है आपको भी ये तरकीब पसंद आएगी और आप भी इस तरीके से चिकन तंदूरी बनाकर एंजॉय करेंगे। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। नाज़रीन, चिकन तंदूरी बनाने के लिए हमें जिन अज़ा की ज़रूरत है उनके बारे में बताता चलूँ। मुर्गी यानी चिकन हमें 12 पीसेस चाहिए, दही 1.5 कप, लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चम्मच, चिकन तंदूरी मसाला पिसा हुआ 3 चाय के चम्मच, साबुत धनिया पिसा हुआ 3 चाय के चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ 3 चाय के चम्मच, सफ़ेद मिर्च वाइट पेपर हसबे जायका, नमक हसबे जायका, लीमू 5 अदद, सिरका 2 खाने के चम्मच, सोया सॉस 2 खाने के चम्मच, जर्दे का रंग, खाने का तेल यानी कुकिंग ऑयल 4 से 5 सर्विंग स्पून, और इसके अलावा हमें कोयला भी चाहिए होगा। नाज़रीन, मैं आज चिकन लेकर आया और मैंने उसके 12 पीस करवाए थे और आपको मैं दिखाता चलूँ कि इस साइज़ के मैंने ये पीस करवाए हैं इसके, और मुझे यही साइज़ मुनासिब लग रहा था बनाने के लिए। और इस चिकन को मैंने लाकर यहाँ पर पानी में 1 टीस्पून सिरका डाला है और उस पानी से इसे अच्छी तरह से धोया है, और अब मैं आपको बताऊं कि हम इनको इस तरह से इस पर पहले हम सबसे पहले छुरी से इस पर ऐसे यूँ कट हमने लगाना है इसके ऊपर। तो यूँ मैंने आपके सामने ये पीस है मेरे और हमने इस पर गहरा कट लगाना है, इसकी हड्डी तक के कट जाएगा। यूँ देखें आप इस पर, यूँ इसे आप इस पर कट लगाएंगे ऐसे गहरा कट, इस पर दो हम साइड पर लगाएंगे। ये देखिएगा इस तरह से हम इस पर कट लगा रहे हैं। ये देखिएगा नाज़रीन, ये कट दो इस तरफ लग चुके हैं इसके, और इसी तरह हम दो कट इस तरफ भी लगा देंगे। नाज़िम, ये चिकन पीसेस हैं जिस पर हमने कट लगा लिए हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये दूसरा पीस है, हमने इन पर भी कट तकरीबन सब पे हम लगा चुके हैं। और अब नाज़िम मैंने इन पर मसाला लगाना है, तो हमारे पास ये चिकन तंदूरी मसाला है, ये इस पर हम लगाएंगे। ये साबुत धनिया है और इसे हमने पीस लिया है, इसे ग्राइंड करने के बाद आप इस्तेमाल करेंगे। और ये हमारे पास सफ़ेद ज़ीरा है, इसे भी हमने पीस लिया है, ग्राइंड किया हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है। इसके अलावा ये लीमू है, ये 5 लीमू मैंने काट लिए हैं यहाँ पे पहले से। और ये नमक है, आप देख सकते हैं नाज़रीन। वैसे मैं ख़ुद चूँकि नमक से परहेज़ करता हूँ तो मैं बहुत कम नमक इस्तेमाल करता हूँ। इसके अलावा हमारे पास ये वाइट पेपर है जो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, और ये हमारे पास सोया सॉस है, ये हम इस्तेमाल करेंगे इसमें। और इसके साथ साथ ये हमारे पास सिरका है, और ये सिरका भी हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। नाज़िम, अब हम इस पर मसाला डालेंगे, ये चिकन तंदूरी मसाला, ये हमने 3 चम्मच डालने हैं। और अगर आप इसको ज़्यादा स्पाइसी करना चाहते हैं, ज़्यादा तीखा करना चाहते हैं, तो आप इसमें 4 चम्मच भी डाल सकते हैं। हम ये मसाला इसके ऊपर यूँ स्प्रिंकल करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा आप ऐसे यूँ देखें, आप ऐसे इस पर हम इसको स्प्रिंकल करेंगे।
ये 3 चम्मच हमने इस पे स्प्रिंकल कर दिया है। और अब हम लेंगे ये धनिया और ये इस पे हम स्प्रिंकल करेंगे उसी तरह 3 चम्मच। हम इस पर लीमू जो है वो हम इसके स्क्वीज कर देंगे। तो ये लीमू मैंने आपको बताया था कि हमने इसके लिए 5 लीमू काट के रखे हुए हैं और हमने इसमें से बीज निकाला हुआ है। तो आप ये देखें यूं हम इस पर लीमू का हम इस पर और अब हम इस पर 2 टेबलस्पून हमने सिरका इस पर वो स्प्रिंकल करेंगे। सिरके के बाद हम इस पर ये सोया सॉस ये भी हम इस पर 2 टेबलस्पून इस पर हम स्प्रिंकल करेंगे। अब हम इसको मसाले को अच्छी तरह से पर बोटलियों पर इसको अच्छी तरह से हम यूं मल देंगे ताकि ये बूटी के अंदर तक जो है ये इसमें हड्डी तक ये अंदर चला जाए इसके और ये इस पर अच्छी तरह से लग जाए। इस तरह से हम इस पर इसको मलते जाएंगे। जहाँ हमने कट्स लगाए थे खास तौर पे हम कट्स के अंदर भी इस मसाले को अच्छी तरह कोशिश करेंगे कि ये उसके अंदर रच जाए ताकि पकने के बाद हमें इसका सही जायका मिले। इस तरह से हम इसको मसाले को इसके अंदर लगाते जाएंगे। तो जब हम इसको इस तरह से मैरिनेट कर लेंगे तो उसके बाद हम इसे 3 से 4 घंटे के लिए रख देंगे और हम इसे रेफ्रिजरेटर में भी रख सकते हैं। और उसके बाद मैं आपको कुछ देर के बाद बताऊंगा कि हमारा अगला स्टेप क्या है। जी नाज़रीन, मैं आपको बताऊं कि हमने ये चिकन को मसाला वगैरह लगा के तकरीबन 3 से 4 घंटे इसको रेफ्रिजरेटर में रख दिया था। और अब हम इसका अगले प्रोसीजर की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रोसीजर ये है कि अब हम इस पर दही के साथ लहसुन और अदरक का पेस्ट मिक्स करके लगाएंगे। ये हमारे पास दही है और नाज़रीन ये तकरीबन 1.5 कप दही है जो हमने इसके लिए लिया है। और अब हम इसको पहले अच्छी तरह से इसे फेंटेंगे। इसको हम फेंटते जाएंगे और हम इसमें 2 चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट हमने ये बनाया हुआ है। ये अगर आपको कैमरा दिखा सके ये देखिएगा। और इसके अलावा हम इसमें बहुत ही कम मिकदार में ये जर्दे का रंग है। ये तकरीबन हम सिर्फ ये देखें
टिप ऑफ द स्पून बिल्कुल थोड़ा सा हम इसमें ये भी मिक्स करेंगे कलर के लिए, इसे मैरिनेट करेंगे और फिर हम उसे तकरीबन आधा घंटा इसे दोबारा रेफ्रिजरेटर में रख देंगे, और कुछ ज़्यादा भी रखा जा सकता है इसे। तो नाज़रीन, हमने इसे पेंट लिया है और अब हम इसमें ये लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे। और आप सबको लहसुन और अदरक के फ़ायद बखूबी मालूम है, और इसमें यह है कि ये खाने के तमाम बादी असरात को भी ख़त्म करता है। तो ये हमने इसमें ये जी 2 चम्मच हमने इसमें ये लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दिया। हम इसे इसमें मिक्स करते हैं। नाज़रीन, ये जर्दे का कलर हम इसमें, मैंने आपको पहले बताया कि हम थोड़ा सा इसमें डालेंगे, ये देखिएगा बिल्कुल मामूली सा, ये आप देख रहे हैं ये बिल्कुल मैंने टिप पर लिया है इसके, और ये हम इसमें मिक्स कर देंगे। हम इसे अच्छी तरह मिक्स करते जाएंगे इसमें। जी नाज़रीन, हम इसे अब इस पे चिकन पर इसको लगाएंगे। ये देखिएगा जी, इस तरह हम इसको लगाते जाएंगे, कोशिश करेंगे जहाँ जहाँ कट्स लगे हुए हैं वहाँ इसको ज़्यादा लगा सकें, कट्स के अंदर तक चला जाए। अच्छा नाज़रीन, मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताए हैं, इसके अलावा इसमें मेरा प्यार भी शामिल है, क्योंकि जब हम कोई चीज़ बनाते हैं उसे हम दिल लगाकर बनाएं और उसमें अपना प्यार और अपना खलूस भी शामिल करें तो फिर वो डिश बहुत मज़ेदार बनती है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और जब आप बनाएं तो आप भी उसमें अपना प्यार ज़रूर शामिल करें। नाज़रीन, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसे नफासत से यहाँ पर लगा सकूँ, मुझे नहीं अंदाज़ा कि ये कैसे कैमरे में कैसे दिखाई दे रहा है, और ये तकरीबन इसको अच्छी तरह इस पर लगा दिया है। नाज़रीन, यहाँ पे हमारा ये प्रोसीजर पाए तक मिनट तक पहुँच चुका है, और हम इसे अब कुछ देर के लिए 35 से 40 मिनट तक हम इसे रेफ्रिजरेटर में रखेंगे, और उसके बाद हम इस मटेरियल को कढ़ाई में शिफ्ट करेंगे और कुछ ऑयल में इसे हम पकाएंगे, और बाद में हम इसे कोयले का दम भी देंगे। तो वो प्रोसीजर हम आपको कुछ देर के बाद दिखा रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हमने ये चिकन रेफ्रिजरेटर से निकाल लिया है, और हमने इसे तकरीबन 35 से 40 मिनट रेफ्रिजरेटर में रखा है। जी नाज़रीन, ये कुकिंग ऑयल है, और हम ये इस स्पून की मदद से इसमें डालेंगे। तो ऑयल डालते हैं, ये देखिएगा। तकरीबन इसमें कोई 4.5 चम्मच ये आया है, ये सर्विंग स्पून आपने देखा, और तो थोड़ा सा बच गया वो भी हम इसमें डाल रहे हैं, तो ये हमने इस पर डाल दिया। नाज़रीन, हमने इसे पकाने के लिए चूल्हे पर रख दिया है,
और हम इसकी थोड़ी सी आंच अब तेज कर लेंगे। और नाज़रीन हम इसके ऊपर यहाँ पर ये ढक्कन लगा रहे हैं। और अब ये इसमें पकना शुरू हो गया है। नाज़रीन ये चिकन इस वक्त पक रहा है और चिकन पकते हुए ये कुछ अपना पानी छोड़ेगा जिसे हमने खुश्क करना है, और जब ये खुश्क होगा तो हम इसे इसी ऑयल में भून लेंगे। और साथ ही इसके हमने ये फ्रेंच फ्राइज़ भी हम बना रहे हैं, और इसके साथ आप सलाद वग़ैरह हसबे ज़रूरत आप चाहें तो सर्व कर सकते हैं। नाज़रीन ये चिकन अब तकरीबन पक चुका है और इसका पानी खुश्क हो चुका है और हमने इसे इस ऑयल में भून लिया है, और हम इसमें अब कोयले का दम देने लगे हैं। नाज़रीन यहाँ पर ये कच्चा कोयला है जिसको हम इस पे सुलगा रहे हैं, और हम आपको दिखाते हैं कि अब हम इसमें कोयले का दम कैसे देंगे। चिकन में यहाँ पे देखें, हमने ये एलुमिनियम फॉइल रख दी है, इसके ऊपर हम ये कोयला रखेंगे सुलगते हुए, और फिर हम इसके ऊपर ऑयल डालेंगे। ये देखिए नाज़रीन, इस तरह से हम यहाँ से ये कोयला उठाएंगे और हमने इसे यहाँ पर यूँ रखना है, और ये सुलगता हुआ कोयला यहाँ पर रखा और इसके ऊपर ये हमने इस पर ऑयल डाला, और साथ ही हमने ये इसके ऊपर ढक्कन लगा दिया है। नाज़रीन ये स्मोक इसके अंदर ही है, और हम इसे 5 मिनट तक इसी तरह छोड़ देंगे, और फिर हम 5 मिनट के बाद हम इसे सर्व कर सकते हैं। जी तो ये इस वक्त ये डिश बिल्कुल तैयार हो चुकी है, और हम इसमें से ये एलुमिनियम फॉइल में से ये कोयले निकाल देंगे और हम इसे यहाँ पे साइड कर देते हैं। और आप देख रहे हैं कि ये चिकन तंदूरी हमने तैयार कर ली है, और हम इसे अब डिश में निकालते हैं। तो इस तरह से हम इसे डिश में निकाल लेंगे। नाज़रीन हमने ये इसके साथ फ्रेंच फ्राइज तैयार कर लिए, तो ये हम इसकी साइड पे हम ये यूँ फ्रेंच फ्राइज इस पर लगा देंगे साइडों पे इसके से। नाज़रीन ये हमारे पास चाट मसाला है, और हम फ्रेंच फ्राइज पर ये थोड़ा सा स्प्रिंकल कर सकते हैं, हसबे जायका आप चाहें तो इसे इस पे थोड़ा सा स्प्रिंकल कर लें। मज़ेदार डिश तैयार है। आज ईस्टर का दिन है, तो हम सोच रहे थे कि क्योंकि लॉकडाउन है, हम सब घर पर हैं, तो मैंने बच्चों के लिए ये चिकन तंदूरी बनाई है, और हम सब अब इसे खाएंगे। आप भी इसे घर में ट्राई करें, और उम्मीद है कि आप भी अच्छी सी चिकन तंदूरी बनाने में कामयाब हो जाएंगे। नाज़रीन ये चिकन तंदूरी जो मैंने घर में बनाई, इसकी तरकीब मैंने आपके साथ शेयर की है, और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी, और आप भी इस तरकीब से घर में चिकन तंदूरी तैयार कर सकेंगे। इसमें हमने दही भी लगाई थी, तो मैं ख़ास तौर पर अपने नेबर्स का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे दही ला कर दी। और चिकन तंदूरी तो हम उनके साथ शेयर नहीं कर सके,
अलबत्त ये वीडियो हम ज़रूर उनके साथ शेयर करेंगे। आने वाले दिनों में जब लॉकडाउन ख़त्म होगा तो यकीनन हम अपने नेबर्स के साथ इस चिकन तंदूरी को शेयर करेंगे और यकीनन हम सब इकट्ठे बैठकर खाएंगे। यहाँ पर हमारी इस वीडियो का अख्तिताम हो रहा है। वो तमाम अफराद जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, और जिन्होंने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया उनसे दरख्वास्त है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। आपका होस्ट फ्रैंक अपनी टीम के साथ आपसे इजाज़त चाहता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। स्टे होम एंड स्टे सेफ़।